गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कोई अमृत वनस्पति लिमिटेड है, डेट है 31 मार्च 2015। तो बैलेंसेस में ये ट्रायल बैलेंस तो है नहीं, जस्ट लेजर बैलेंसेस दिया हुआ, इसमें से एक एक आइटम को देखना होगा आपको। शेयर कैपिटल ये बैलेंस शीट का आइटम है, कैश इन हैंड करेंट एसेट्स बैलेंस शीट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम हुआ, जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस दैट इज बैलेंस शीट, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट ये देखिए क्लोजिंग है, ये करेंट एसेट्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, सन्ड्री क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, लैंड फर्नीचर ये दोनों फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होगा। तो देखिए अभी तक बैलेंस शीट ही चल रहा है, यहां से देखते जाइए। सन्ड्री डेटर ये भी करेंट एसेट्स होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस मिल गया, दिस इज आवर लायबिलिटी, और ये अदर करेंट लायबिलिटी दैट इज करेंट लायबिलिटी के घर में आएगा। ओके, अब यहां से देखिए, पावर पीएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस, ट्रेवलिंग पीएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस, ऑडिटर फी पीएल अकाउंट में अदर एक्सपेंस। तो ऐसे करके एक एक आइटम बैलेंस शीट में कहाँ और पीएल अकाउंट लिखते चल रहे हैं। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्योंकि यहाँ ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था, जबकि ये फिनिश गुड्स है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये पीएल अकाउंट में चेंज इन इन्वेंट्री के रूप में आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी पीएल का आइटम है, इसका अमाउंट देखिए 1,43,00,000। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पीएल अकाउंट का आइटम है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, रिजर्व सरप्लस का आइटम हुआ, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, रेंट आपका पीएल अकाउंट का आइटम है, रेंट पीएल में अदर एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल के अंदर प्रीपेड है, तो ये बैलेंस शीट अदर करेंट एसेट्स दैट इज करेंट एसेट्स, कैश एट बैंक करेंट एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, स्टाफ एडवांसेस करेंट एसेट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है। हाँ, यहां देखिए मिसलेनियस इनकम ये अदर इनकम पीएल अकाउंट का चीज है, इनकम टैक्स एडवांस ये भी एडवांस हुआ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंस है तो पीएल अकाउंट, सैलरी वेजेज पीएल में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है। ये देखिए एक नया नाम है, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, बैंक में एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है कैश क्रेडिट, ये एक प्रकार का बोरोइंग से लोन है, तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, एक एक आइटम बताया गया कौन कहाँ का आइटम है, बहुत सारा इसमें पीएल और बैलेंस शीट का भी आइटम था, सारा आइटम लिख दिए। अब ये देखिए एडजस्टमेंट में ऑथोराइज्ड कैपिटल बता दिया गया 4,00,000, इक्विटी शेयर 10 इंच 40,00,000 हो गया, जबकि 50% इशू एंड सब्सक्राइब्ड हुआ था, तो 40,00,000 का 50% 20,00,000, तो यहां देखिए शेयर कैपिटल 20,00,000 है। तो एक नंबर एडजस्टमेंट नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 बनाने में हेल्प होगा, यहां हमको ऑथोराइज्ड कैपिटल भी पता चल गया, या हमको आपका इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल भी मिला। नंबर 2 देखिए, एक डिविडेंड प्रपोज करना है, 15% ऑफ कैपिटल रेकोमेंड करना है डायरेक्टर्स का, ये आपका कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर आएगा, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाएगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी 10% ये 15% है, तो यहां आपका वो 2,00,000 रुपया होगा कैपिटल का, 3,00,000। यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
ये करेंट एसेट्स में आएगा, और ये जो ओपनिंग स्टॉक था तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके चेंज इन इन्वेंटरी पीएल अकाउंट में लिखा जाता है। ये एक एडजस्टमेंट देखिए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये जो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है 5 लाख, इसका जरूरत नहीं है, तो ये रिजर्व सरप्लस में पीएल के साथ प्लस कर दिया जाएगा। तो इसको रिजर्व सरप्लस में सेपरेट नहीं लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करा देंगे, क्योंकि लिखा है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ओके, डेप्रिसिएशन देखिए, प्लांट एंड मशीनरी का है 215, फर्नीचर का है आपका 6500, बिल्डिंग का है आपका 19000, 215 और 19 234 अच्छे 240500। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मिसलेनियस एक्सपेंस के अंडर में था। ये जो मिसलेनियस एक्सपेंस है इसके अंडर में 240500 डिप्रिसिएशन है, तो यहां से माइनस कर लेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस से उसको रिड्यूस करा लेंगे। अब पीएल अकाउंट में अलग से एक आइटम होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, उसके कॉलम में लिख देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन हम बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंडर में है, मिसलेनियस में इंक्लूडेड है, तो मिसलेनियस से माइनस करके डेप्रिसिएशन बोल के लिख देंगे। इसका बैलेंस शीट में एसेट से कोई लेन देन नहीं है, वहां पे माइनस नहीं होगा। क्लियर। करेंट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से टैक्स के बाद 5% प्रॉफिट जनरल लेजर में दे देना है, तो ये पीएल से माइनस होता है और जनरल रिजर्व में आपका प्लस होता है। तो अंडर द नोट्स रिजर्व एंड सरप्लस में ही इसका काम होगा। करेंट ईयर का प्रॉफिट से ट्रांसफर करेंगे तो पीएल माइनस होगा और जनरल लेजर प्लस होगा। करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए, उसके बाद जनरल लेजर होता है। यहां देखिए करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स यहां बोला है 60%। करेंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा 60% टैक्सेशन कर देंगे और टैक्स के बाद 40% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा। इस क्वेश्चन का मेन एडजस्टमेंट देखिए, यहां लिख रहा है इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द प्रायर ईयर हैज बीन कंप्लीटेड, फिक्सिंग इनकम टैक्स लाइबिलिटी 775 अगेंस्ट विच ए प्रोविजन ऑफ 4 लाख। हम लोग का अर्लियर ईयर का टैक्सेशन फाइनलाइज हो गया, जिसके अगेंस्ट में हम लोग 4 लाख रुपया प्रोविजन करके रखे थे, लेकिन टैक्सेशन लाइबिलिटी फाइनल हुआ 775, तो इसका मतलब हम लोग का प्रोविजन काफी कम किया हुआ था। हम लोग सोचे थे 4 लाख रुपया टैक्स होगा, जबकि टैक्स हो गया 775, तो इसका एंट्री करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट। हम लोग सोचे थे 4 लाख, जबकि डिमांड हुआ है 375, तो अर्लियर ईयर टैक्स डेबिट 775 है तो 375, ठीक है। तो हम लोग टैक्सेशन सोचे थे 4 लाख, और जबकि डिमांड हुआ 775, तो हम लोग का प्रोविजन कम था, अंडर था 375 से, तो इसका एंट्री कर रहे प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट अर्लियर ईयर टैक्स डेबिट। अच्छा, और एक बात, उसके अगेंस्ट में हम लोग इनकम टैक्स एडवांस दे चुके हैं 350, तो 775 मांग रहा है, 350 दिया हुआ है टू एडवांस इनकम टैक्स। हम लोग 350 दे चुके हैं, आज जब वो डिमांड किया है 775, तो बाद बाकी हम लोग को देना होगा, वो हम लोग के लिए हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। ये हो जाएगा आपको 425। क्लियर।
तो ये एंट्री देखिए, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स किया हुआ था तो उसको डेबिट कर दिए तो प्रोविजन फॉर टैक्स से माइनस हो जाएगा। एडवांस टैक्स दिया हुआ है ऑलरेडी डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दिए तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग से 775 मांगा गया, 4 लाख का प्रोविजन था तो 375 अर्लियर ईयर टैक्स। ये बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल से माइनस होगा अर्लियर ईयर टैक्स के नाम से। ये टैक्स लायबिलिटी है तो ये हो गया आपका अदर करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो जहां पे इनकम टैक्स हम लोग 350 दिए हुए हैं और वहां डिमांड आपका 775 है तो हम लोग टैक्स कम दिए हैं 425, तो ये हम लोग का लायबिलिटी होगा। तो टू टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स एडजस्ट कर दिए, ये 775 हो गया। 4 लाख का प्रोविजन किए थे जबकि 775 टैक्सेशन हुआ तो 375 अंडर प्रोविजन है तो पीएल से माइनस किया जाएगा। आइए करेंट ईयर का 60% प्रोविजन होगा, ओके। ये देखिए लास्ट एडजस्टमेंट, डेटर के अंदर 1 लाख का डेटर मोर देन 6 मंथ है। जो हमारा डेटर है ट्रायल के अंदर 7 लाख रुपया का डेटर है, उस डेटर को बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल के नाम से लिखा जाएगा। लिखा कैसे जाएगा, मोर देन 6 मंथ 1 लाख और लेस देन 6 मंथ 6 लाख। तो ये हो गया आपके सामने पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस। इससे हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट, ठीक है। एज पर कंपनी एक्ट बनाना है। ये क्वेश्चन आपका सीयू 2011 में फाइनल एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, मेसर्स अमृत वनस्पति लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। सबसे पहले पीएल अकाउंट में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल आता है 211,50,000। अदर इनकम के लायक एक आइटम था मिसलेनियस इनकम 273,000 इसको ऐड करते हैं। ओके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स ले लिए, अदर इनकम में आपका मिसलेनियस इनकम एक था, मिसलेनियस इनकम ले लिए, ये प्लस कर दिए, दिस इज टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 143,000,000। परचेज नहीं है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग था 1,550,000 और क्लोजिंग था 28, दैट इज ब्रेकेट में 1,250,000। इम्प्लॉई बेनिफिट में सैलरी एंड वेजेस था 58,00,000। फाइनेंस कॉस्ट नहीं था, ठीक है। एक बार इतना देख लो आप, इसको ले लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स, अदर इनकम में लिए मिसलेनियस इनकम, ये मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग देखिए 1,250, यहां देखिए क्लोजिंग 28, 1,550 और 28 डिफरेंस 1,250 निगेटिव। ये ले लिए सैलरी वेजेज में, इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन यहाँ देखिए मिसलेनियस एक्सपेंस में था 215,000 6,500 19,000 दैट इज 240,500, ओके। अब बच गया हम लोग का अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस का हमको वर्किंग करना होगा, अदर एक्सपेंसेस। पहले इसका लिस्ट तैयार कर देते हैं फिर आपको दिखा दिया जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 43,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 43,000। इसके अलावा आपका पावर 44, ट्रेवलिंग 20,500, पावर 44
ट्रैवलिंग एंड कॉन्वीनियंस 20500, ऑडिट फी 7500, इसके अलावा और भी अभी है, रेंट आपका 26500, रेंट के बाद आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट था 307, इसी में वो डेप्रिसिएशन था 240500। ओके ठीक है, ये हुआ आपका 67000, इसको प्लस कर लेंगे। पहले आप देख लो एक बार, ये देखो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पीएल अकाउंट अदर एक्सपेंस में ले लिए, इसके बाद पावर पीएल अकाउंट अदर एक्सपेंस में लिए, ट्रैवलिंग अदर एक्सपेंस, ऑडिटर फी अदर एक्सपेंस, चार आइटम। इधर से आप देखो रेंट पीएल अकाउंट अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस अदर एक्सपेंस, छह आइटम। यहाँ एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ये डेप्रिसिएशन बोला था डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंस तो उससे माइनस कर दिए। अब यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस को प्लस करेंगे 43000, 44000, 20500, 7500, 26500, 67000, 208500, 500। ठीक है, ये मिसलेनियस एक्सपेंस चला आएगा ऊपर 208500। अब इसको प्लस करते हैं, टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा 1250, माइनस किया जाएगा 192,99,000। क्लियर है, यहां देखिए ये मटेरियल कंज्यूम था, चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में था, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट था नहीं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, अदर एक्सपेंस का लिस्ट बना के अदर एक्सपेंस लाए, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंस। ऊपर आपका टोटल रेवेन्यू है, माइनस करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 21,24,000। इसके अलावा आप प्रोविजन फॉर टैक्स का बात होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 60% बोला गया है, इसका 60% टैक्सेशन 1274,400। अब माइनस कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 849,600। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स को लिए, अदर इनकम मिसलेनियस इनकम प्लस कर दिए टोटल रेवेन्यू, मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था परचेस था नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री निगेटिव, इम्प्लॉई बेनिफिट में सैलरी वेजेस फाइनेंस कॉस्ट था नहीं, डेप्रिसिएशन अपने को तीन डेप्रिसिएशन था, तीनों मिला के 240500, अदर एक्सपेंस का वर्किंग कर दिए 208500, टोटल एक्सपेंसिज 192,99,000। टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, 60% टैक्स दिए तो 40% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच गया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अमृत वनस्पति लिमिटेड का बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें ए नंबर होता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर में आएगा शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। बी नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, उसके अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लाइबिलिटी इसके अंडर में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके बाद एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल इनटेंजिबल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स।
बैलेंस शीट को अगर सक्सेसफुली बनाना है तो बैलेंस शीट का जो भी आइटम हो क्वेश्चन में, उसके लिए हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। नोट्स टू अकाउंट बनाने के बाद इसको जस्ट फिलअप कर देंगे, और बैलेंस शीट का अगर टोटल इक्वल आ गया तो समझिए सही बना है। तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। चलिए चलते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। एक नंबर नोट्स टू अकाउंट तैयार करेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 400,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 40,00,000। बोला है 50% इशू किया गया था, तो वो हो गया आपका इशूड कैपिटल 200,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 20,00,000। अब आएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें भी 200,000 शेयर जो इशू किए थे सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, तो 200,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसमें एक वर्ड दे देंगे फुल्ली पेड अप 20,00,000। ओके, अब एक बार इसको आप देख लो। ये देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल 400,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 40,00,000, 50% 200,000 इशू किया गया था, वो फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप है। यहां भी आप देख सकते हो शेयर कैपिटल 20,00,000 है, ये सब्सक्राइब कैपिटल है, इसका 50% 200,000 ₹10 वाला 20,00,000 होता है। इसके बाद वर्किंग नंबर टू करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में यहां देखिए कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, सिर्फ एक है ये डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। इसके अलावा कोई आइटम आपको रिजर्व सरप्लस का दिख नहीं रहा है, क्लियर है। उसके लिए भी डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व के लिए भी देखिए बोला है कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है नहीं, करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर प्रॉफिट में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 849,600 है पीएल अकाउंट, इसको लाएंगे 849,600 प्लस डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जो बोला है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, उसका अमाउंट आपका 500,000 है। इसको ऐड किए 1349,600, और कोई प्रकार का इंट्रीम डिविडेंड पेड सब में नहीं है, लेकिन ये जो टैक्स असेसमेंट किए थे तो इसमें अर्लियर ईयर टैक्स आपका आया था 375, ये प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस किया जाएगा। तो यहां माइनस करेंगे अर्लियर ईयर टैक्स 375,000, 1349,600 माइनस 375,000 974,600। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए आप देखो 5% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लियर। पहले से कोई जनरल रिजर्व हमारे पास था नहीं, यस था, पहले से जनरल रिजर्व यहां था, देखिए 1,500,000 रुपया। तो यहां बोला है 5% ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है,
तो ट्रांसफर टू रिजर्व ये करंट ईयर प्रॉफिट है 849,600, इसका आपका 5%, 849,600 का 5%, 42,480, अब उसको बाहर कर देंगे 974,600 से माइनस करके 932,120। जनरल रिजर्व हम लोग का पहले से 15,00,000 था, इसमें प्लस ट्रांसफर 42,480 तो 42,480। अब इसको यहीं प्लस कर देते हैं, रिजर्व सरप्लस का काम कंप्लीट हो जाएगा। 15,42,480 और वो था 24,74,600, 24,74,600, क्लियर है। तो रिजर्व सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस था नहीं, करेंट ईयर का प्रॉफिट ऐड किए, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व रिटेन बैक बोला था उसको भी प्लस कर दिए, अर्लियर ईयर टैक्स माइनस किए, ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस किए, अब वो रिजर्व में प्लस कर दिए, क्लियर है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में वो एक कैश क्रेडिट अकाउंट था। आप देखो आखिरी आइटम, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक 62,500, कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक 62,500। ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर आता है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसको खोजना होगा। आप देखो ट्रेड पेएबल में ये सन्ड्री क्रेडिटर आएगा 17,00,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,00,000। नंबर 5, अदर करेंट लाइबिलिटी। अदर करेंट लाइबिलिटी में एक एडवांस था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अदर करेंट लाइबिलिटी में लेते हैं, और एक टैक्स लाइबिलिटी भी निकला था, टैक्स लाइबिलिटी भी अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। आप देखो यहाँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यहाँ देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, ये रहा एडवांस फ्रॉम कस्टमर 2,50,000, ये आपका अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। इसके अलावा कोई आउटस्टैंडिंग हो तो अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा, नहीं तो ये टैक्स लाइबिलिटी जो एंट्री निकाले थे आपका, टैक्स लाइबिलिटी 4,25, तो 2,50,000 4,25, 2,50,000 4,25,675। और एक वर्किंग करते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसके अंडर में प्रोविजन फॉर टैक्स आपका ट्रायल बैलेंस में था 10,50,000, अर्लियर ईयर का टैक्स सेटलमेंट हुआ था तो प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट किए थे, वो था आपका 4,00,000। करेंट ईयर का टैक्स था 12,74,400। तो आपको दिखाते हैं पहले 10,50,+12,74,400, अब माइनस करते हैं 4,00,000, ये हो गया 19,24,400। आप इसको देख लो पहले एक बार, ये देखो पहले से प्रोविजन फॉर टैक्स 10,50 है, जर्नल एंट्री में टैक्स को डेबिट किए थे 4,00,000 माइनस, ठीक है, और करेंट ईयर का टैक्सेशन देखो 12,74,400, ठीक है। तो हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया 19,24,400। तो ये हो गया हम लोग को नोट्स टू अकाउंट लायबिलिटी बेस्ड। सबसे पहले शेयर कैपिटल 20,00,000 आया, रिजर्व सरप्लस आपका 24,74,600 आया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कैश क्रेडिट को रखे, ट्रेड पेएबल ले लिए, अदर करेंट लाइबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर, टैक्स लाइबिलिटी को लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स को प्रोविजंस में लिए।
अब चलिए चलते हैं एसेट्स की तरफ नोट्स टू अकाउंट को लेके। एसेट्स की तरफ से नोट्स टू अकाउंट में पहले लाएंगे फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मिसलेनियस एक्सपेंस में इंक्लूडेड था, तो डेप्रिसिएशन का कुछ करना नहीं है। बिल्डिंग है आपका, बिल्डिंग 370,500, प्लांट एंड मशीनरी 21,50,000, ओके। लैंड है आपका 150, लैंड है 150, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आपका 61,000 है। तो ये चार हम लोग का टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, 370,500, 21,50,000, 150,000 और 61,000। ये हो गया 27,31,500, ठीक है। कोई इनटेंजिबल है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं। आठ नंबर में लाते हैं इन्वेंटरीज। क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक डबल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और एक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपका 13,35,000 और फिनिश गुड्स का 28,41,35,000। नंबर नाइन ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर है लेस देन 6 मंथ और एक होगा मोर देन सिक्स मंथ का अमाउंट है आपका 1,00,000 और डेटर टोटल है 7, तो हो जाएगा 6, रिजल्ट 7। पहले एक बार आप इतना देख लो, ये देखिए बिल्डिंग क्लियर, लैंड, मशीन, फर्नीचर, ये चार को फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में रख दिए। यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री में रख दिए। डेटर 7,00,000 है, एडजस्टमेंट में देखिए 1,00,000 मोर देन है, तो 6,00,000 लेस देन हो गया। अब इसके बाद एसेट्स में आएगा कैश इन हैंड, क्लियर है, कैश इन हैंड आएगा और अपना एसेट्स के रूप में ये कैश एट बैंक आएगा, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नंबर नोट टेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड है इसमें, कैश इन हैंड अ कैश एट बैंक दोनों है। कैश इन हैंड का अमाउंट है 31,000, अ कैश एट बैंक का अमाउंट है आपका 40,000, ठीक। ये दोनों मिला दीजिए 71। इसके बाद होगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में स्टाफ एडवांस 26,500 है, स्टाफ एडवांस 26,500 है और एक है इनकम टैक्स एडवांस में अमाउंट है आपका 15,00,000 जिसमें से एडजस्ट हुआ है 350, तो दैट इज 11,50,000। इसको ऐड कीजिएगा 11,76,500, इसको आप देख लो एक बार पहले 11,76,500 स्टाफ एडवांस आया, इनकम टैक्स एडवांस आया, ये देखो आप स्टाफ एडवांस है, ये देखो इनकम टैक्स एडवांस है, इनकम टैक्स एडवांस 15,00,000 में, ये इनकम टैक्स एडवांस टैक्स असेसमेंट में क्रेडिट किए थे 350, तो 15 में से 350 गया 11,50,
वहां आपका 26,500 था। क्लियर? इसको लाएंगे हम लोग अदर करेंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अदर करेंट एसेट्स, इसमें आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट था आपका, प्रीपेड एक्सपेंस था आपका 23,000। ये हो गया हम लोग को एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट। और एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, इसमें आपका प्रपोज्ड डिविडेंड है, 20 लाख का शेयर कैपिटल है, डिविडेंड प्रपोज 15%, दैट इज 3 लाख। ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में दिखा दिया जाता है। ये आप देख लो, 15% डिविडेंड देना है, 20 लाख का कैपिटल है, तो 3 लाख प्रपोज डिविडेंड। क्लियर है? तो ये बन गया आपका नोट्स टू अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल ये आ गया, इन्वेंट्रीज में डबल ये आया, डेटर 7 लाख, कैश एंड बैंक मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में स्टाफ एडवांस, एडवांस इनकम टैक्स, अदर करेंट एसेट 23। चलिए अब इसको बैलेंस शीट में फिलअप करके देखते हैं। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 देते हैं 20 लाख रुपया, ठीक है। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 2 था 24,74,600, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 था 62,500, शॉर्ट टर्म बोरोइंग था नहीं, ट्रेड पेबल नोट नंबर 4 17 लैक्स, अदर करेंट लाइबिलिटी नोट नंबर 5 था 675,000, प्रोविजन नोट नंबर 6 था आपका 19,24,400। ये हो गया लाइबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट देख के फिलअप किए। अब चलिए एसेट्स को फिलअप कर देते हैं, जस्ट नोट्स टू अकाउंट को देखना है, फिलअप करना है। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल नंबर 7 था आपका 27,31,500, इनटेंजिबल था नहीं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था नहीं, इन्वेंट्रीज आपका 8,41,35,000, ट्रेड रिसीवेबल 9,7 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 10,71,000, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 11, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस था 11,76,500, अदर करेंट एसेट नंबर 12,23,000। अब प्रपोज डिविडेंड तो लेते नहीं है, अब हमको देखना होगा बोथ साइड एसेट्स लायबिलिटी का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं कर रहा है, एरर ढूंढने से देखिए यहां एक एरर मिला, 307,000 माइनस 240,500, ये आपका होगा 66,500। हाँ, ये 66,500 500 कम हुआ तो ये हो जाएगा आपका 2,08,000, ठीक है। यहां आएगा 2,08,000, तो ये हो जाएगा 98,500, 98,500 दैट इज 192, 98,500 ऊपर आपका है 214,23,000, तो प्रॉफिट आपका 500 रुपया ये बढ़ेगा, प्रॉफिट 500 बढ़ेगा, तो उसका 60% टैक्सेशन था 21,24,500, 60% टैक्सेशन उस पर भी असर पड़ेगा 12,74,700, माइनस करने के बाद रिजल्ट आएगा 849,800। वो 500 का जो एक्सपेंस में मिस्टेक हुआ
उस एक्सपेंस को कम किए तो 500 रुपये हम लोग का प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, और उससे टैक्स में चला गया 300 और प्रॉफिट में आ गया 200। ये हमारा नोट्स टू अकाउंट लायबिलिटी वाला नोट्स टू अकाउंट को भी डिस्टर्ब कर देगा, क्लियर। ये रहा अपना लायबिलिटी वाला नोट्स टू अकाउंट, करेंट ईयर प्रॉफिट 849,800 हो जाएगा, ये टोटल भी 800 होगा, ठीक है। यहाँ 480 माइनस हुआ तो ये आपका 320 हो जाएगा, क्लियर। 320 और 400 ये आपका 800 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे 1274 700 हुआ। ये अपना बैलेंस शीट में जब फिलअप करेंगे तो बैलेंस शीट का फिलअप चेंज हो जाएगा 2474800, क्लियर। आप प्रोविजन में 1924700, अब इसको ऐड करने से वो एक्सपेक्ट करते हैं मिलेगा, ओके। अब टोटल मैच कर जा रहा है 88,37,000, इसका टोटल आ गया 88,37,000, ठीक है। पहले इसका टोटल मैच नहीं हो रहा था, एक डिफरेंस आ रहा था, ढूंढने से मिला आपका एक्सपेंसेस को यहाँ माइनस करने से 500 रुपये यहाँ बेसी लिखे थे, 500 रुपया एक्सपेंसेस बेसी था तो टोटल एक्सपेंसेस बेसी था, प्रॉफिट चेंज हुआ टैक्सेशन और ये बैलेंस शीट पर ऐसे इफेक्ट किया। ये बैलेंस बनाने में फाइनल अकाउंट बनाने का ये कॉमन एरर है, कोई ना कोई आइटम का छूट जाना या प्लस माइनस का मिस्टेक हो जाना, इस बात पर आप ध्यान रखो, ठीक है। एक मिस्टेक को रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर भी। तो ये हो गया सॉल्यूशन, आपका ये क्वेश्चन आया था 2011 में, ठीक है, ये देख लीजिए 2011 का क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ओके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप हमारे पूरे फाइनल अकाउंट का प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।